थोड़ी आएगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। रामनवमी के मौके पर सासाराम में हुई हिंसा के बाद अब जिले के लोगों के लिए एक राहत वाली खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि आज सुबह से ही प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई इंटरनेट सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया। सुबह से ही जो सासाराम ज़िले के लोग हैं वो इंटरनेट जो यूज़ है वो कर पा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। अभी भी किसी तरह की भड़काऊ पोस्ट अगर सोशल साइट्स पर किए जाते हैं तो उस पर प्रशासन की जो पैनी नज़र है वो रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सासाराम के DM धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ज़िले में आज सुबह से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इसके बाद आपत्तिजनक वीडियो व धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पोस्ट पर नज़र रखी जाएगी। ऐसा करने वालों के साथ प्रशासन सख्ती से निपटेगा। अगर पकड़े गए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। वहीं अगर ज़रूरत महसूस होती है तो ऐसे लोगों पर एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी भी की जा सकेगी। साथ आम लोगों से अपील होगा कि वो लोग जब इंटरनेट को का यूज उनके द्वारा होगा तो काफ़ी सतर्कता से सावधानी से यूज करेंगे। कोई भी अफवाह गलत सूचना फैलाने में सहयोग नहीं करेंगे। हम लोगों को आशंका है कि संभव है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियोज और सब जगहों के कहीं कहीं का जो है जगह का जो है वीडियो रोहतास के नाम पे डाला जा सकता है। तो ऐसे सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया साइट्स हैं नज़र उन पर हम लोगों की है, और यदि भूल बस भी एक व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है भूल बस भी तो उनके ऊपर FIR होगा और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी जो हम लोग का लास्ट वीक का इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कुछ वीडियोज हम लोग को जो है आपत्तिजनक वीडियोज प्राप्त हुए हैं, उनके जो है ग्रुप एडमिन की जो है गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों से आग्रह होगा कि बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। ऐसा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत बार बाकी जगहों के जो है वीडियो जो है वो एक स्पेसिफिक जगह का बता करके जो है शेयर कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उस एरिया को जो लोग नहीं जानते हैं उनको लगता है कि यही सच्चाई है, बाद में फिर अफवाह साबित होती है। तो मैं फिर से सभी लोगों को इसके लिए सतर्क करता हूँ। शहर के वरिष्ठ लोगों और संगठनों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जितने वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग हैं, शांति के जो लोग हिमायती लोग हैं, उनका हम लोग को निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त हुआ है, लेकिन अब उनसे जो है हम लोग का विशेष आग्रह है कि अब उनको अपनी सक्रियता जो है बढ़ानी होगी, और उनकी सक्रियता के माध्यम से ही समाज के जो कुछ एकाध दो लोग जो गड़बड़ी करने के फिराक में रहते हैं उन पर रोक लगाया जा सकता है। तो मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से और अधिक सक्रियता से सहयोग करें। इसमें थोड़ी आएगा वो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।